हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, मेकअप करते वक्त अगर डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है या फिर कहीं पे भी डार्क पैचेस है, छाइयाँ हैं, ब्लैक दाग जो होते हैं उसको हाइड करने के लिए कैसे क्या यूज करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की डे बाय डे जो बारीकियाँ टिप्स होती हैं हेयर स्टाइल एंड मेकअप से रिलेटेड वो सारी आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको अपडेट अगर आप बेल आइकन पर प्रेस कर लोगे तो आपके फोन स्क्रीन पर नोटिफिकेशन हो जाएगी जिससे आप मेरी डेली आने वाली वीडियोज देख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपका फेस पे डार्क सर्कल है या फिर डार्क पैचेस है, जैसे छाइयाँ, डार्क सर्कल या फिर ब्लैक डार्क कुछ होते हैं, तो उसके लिए आपको उसको हाइड करने के लिए आपको ऑरेंज कलर करेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑरेंज कलर करेक्टर होता है, ये एलिगेंस का ऑरेंज कलर करेक्टर है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैं यही वाला यूज करती हूँ। आपको कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लीजिएगा। तो ये ऑरेंज कलर करेक्टर, उसके बाद आपकी स्किन से मैच होता हुआ दूसरा कलर करेक्टर, सॉरी कंसीलर, ये दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा। और सबसे पहला टिप, आप जब भी मेकअप स्टार्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट कोई भी कलर करेक्टर वगैरह यूज नहीं करोगे, पहले अपने फेस का सीटीएम करोगे। सीटीएम क्या होता है? क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है। कोई अच्छा सा अच्छे ब्रांड का टोनर यूज करना, टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल यूज कर सकते हो। देन लास्ट में आपको मॉइस्चराइजर यूज करना, मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो मेकअप बेस होगा वो केकी हो जाएगा एंड अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है। क्लियर है? मॉइस्चराइजर यूज मैंने अपने फेस पे पहले से कर रखा है, मॉइस्चराइजर, टोनिंग एंड क्लींजिंग, उस मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, बट आप अप्लाई कीजिएगा तो मॉइस्चराइजर जरूर यूज कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद से आपको लगाना होता है प्राइमर। प्राइमर स्किप नहीं करना है, प्राइमर अप्लाई करोगे। प्राइमर के बाद से आपको ये हुडा ब्यूटी का प्राइमर है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। प्राइमर को आपको पूरे फेस पे यूज करना होता है और जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं, जैसे जहाँ पे आपकी स्किन से पसीने आते हैं, ओपन पोर्स है, अगर वो आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स होगा तो आपका मेकअप काला हो जाएगा, इसीलिए आपको पहले प्राइमर अप्लाई करनी है। प्राइमर आपके ओपन पोर्स को बंद कर देगा जिससे आपका मेकअप जो है वो स्मूथ और अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मुझे अपना डार्क सर्कल हाइड करना है। आपको दिख रहा होगा मेरे को काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, मैं कैमरे के और पास आ जाती हूँ। ओके, बाकी मेरा फेस क्लीन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट डार्क सर्कल है। जैसे मैं डार्क सर्कल को हाइड कर रही हूँ वैसे ही सेम आपके और भी कोई दाग है आपके चेहरे पर तो उसको हाइड कर लोगे। तो इतना सा कलर करेक्टर मैंने लिया है अपने हाथ में, देन इस तरीके से टैप टैप करके हाँ ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करते हैं काले दाग धब्बों को छिपाने के लिए। ठीक है, पिंपल्स के लिए, रैशेज के लिए ग्रीन आता है एंड हल्का फुल्का डार्क सर्कल है जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो येलो कलर करेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। इसको अप्लाई कर लिया मैंने, इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। ये होता है ब्यूटी ब्लेंडर, लेकिन बाल्टी में पानी है, इसको अच्छे से डिप कर लीजिए। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से गीला करना है, गीला करके पूरा पानी निचोड़ दीजिए उसका दीजिए। तो गीला करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फूल जाएगा, पूरा पानी इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद एक्स्ट्रा पानी को निकाल देना है और उसके बाद अपने जो भी यूज किया है उसको टैप टैप करके मिक्स करना है। कई लोग क्या कहते हैं कि मैंने तो कलर करेक्टर यूज किया लेकिन मेरा जो डार्क सर्कल था वो हाइड नहीं हुआ। इसका कारण एक ही होता है डियर, कि आपने बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया, मतलब आपके फेस पे कलर करेक्टर बचा ही नहीं, तो हाइड कैसे करेगा? तो बस थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से वो मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं हटाना है, तो बहुत ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं दिखना चाहिए और बहुत ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं करना है आपको। ओके, उसके बाद हम अपना ये न्यू है पूरा एलेगर्स का कंसीलर, इसको मैंने ओपन कर लिया है, इसमें इस तरीके का ब्रश दिया होता है यूज करने के लिए। आई होप कि आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा गाइस। ओके, इसको अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके तो अभी मेरा फेस एंड मेरा आईज दोनों सेम हो गया ना, और डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको डार्क सर्कल को हाइड कर लेना है।
डार्क सर्कल, डार्क पैचेस जो भी हैं आपके फेस पे, वो सब इस तरीके से आप हाइड कर लोगे। और इस पर आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट जरूर कर लेना है, नहीं तो आपका अगेन सारा मेकअप फैल जाएगा। तो कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यहाँ पे ले रही हूँ। लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर है ये, अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। देन मेरा डार्क सर्कल बहुत अच्छे से हाइड हो गया यहाँ पे। अब अपना आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डार्क सर्कल को कैसे हाइड करेंगे। इसके बाद अपने आईब्रो को फिल कर लोगे। आईब्रो फिल करने के लिए कल मैंने पेपर पे बताया था, तो हो सकता है कई लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आया हो, तो मैं आज आपको अपने आईब्रोज पे करके दिखा दे रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। आईब्रो फिल करने के लिए आपको इस तरीके का ट्रायंगल वाला ब्रश होता है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये ब्रश ले लेना है। एंड अगर आपको नॉन नेचुरल लुक दिखाना है अपने आईब्रो का, तो आपको जेल आईलाइनर या फिर आईब्रो पेंसिल के बजाय आई शेडो पैलेट में जो ब्लैक कलर का पाउडर शेड होता है, पाउडर शेड आपको मार्केट में ऐसे भी मिल जाएगा आईब्रो फिल करने के लिए अगर आप मांगोगे तो, उसको थोड़ा सा अपने ब्रश में इस तरीके से उठाना है। देन अपने इनर ये ब्रश को इस तरीके से रखना है, इनर कॉर्नर से इस तरीके से लेके जाना है, ओके। नीचे का शेप पहले आप बना दोगे, देन ऊपर का जब बना रहे हो तो आपको इतना एरिया छोड़ देना है और यहाँ से अपना शेप रेडी करना है। और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको आपको आउटर कॉर्नर पे एंड मिडल पार्ट पे अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको फ्रंट पे नहीं अप्लाई करना है। इनर फ्रंट के लिए आपको प्रोडक्ट उठाना नहीं है, जो आपके ब्रश में बचा हुआ है उसी से बस मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप आईब्रो फिल करोगे तो जो आपके आईब्रो का लुक है वो नेचुरल आएगा। ठीक है, बिल्कुल नेचुरल है, एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है कुछ भी। अगर बहुत ज़्यादा फेयर कलर के लोग हैं तो ब्लैक आईब्रो आपको थोड़ी अच्छी ऑड लगेगी, तो आपको ब्राउन कलर का आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर का आई शेडो ले लेना है। देखिए ये डार्क ब्राउन है, सॉरी शीशे से ढक रहा है, ये वाला कलर ब्रश में अगेन उठाएंगे और इसके ऊपर ही इस तरीके से अप्लाई कर दोगे। अगर बहुत ज़्यादा फेयर कलर के लोग हैं तो, बहुत ज़्यादा गोरे लोगों के लिए, मीडियम टू डार्क के लिए आप ब्लैक कलर यूज करोगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा वाला आईब्रो भी फिल कर लेना है। डार्क सर्कल और आईब्रो को कैसे फिल करते हैं वो आपको आज क्लियर हो गया होगा। दूसरी साइड का जब आईब्रो फिल करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये आप बराबर में नाप लोगे, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ओके। ये नीचे का शेप बना लिया, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगे उसको कॉटन की मदद से, किसका फोन था, बाद में देखेंगे, इसको भी डाल देते हैं तो इस नंबर पे आ जाएगा। सॉरी कॉल आ गया था तो मैं चली गई थी और कैमरा ऑफ करना भूल गई, तो नीचे का शेप मैंने दे दिया है। देन ऊपर का जैसे मैंने इस साइड में बताया था वैसे ही आपको इधर कर लेना है। क्लियर हो रहा है ना आपको, प्रैक्टिस करते जाइए इन सब चीज़ों का, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है।
तो इस तरीके से आप आईब्रो फिल करोगे तो बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा और आपका जो आईब्रो का लुक है वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। ब्राउन शेड मैंने अगेन उठा लिया है। तो आईब्रो फिल कैसे करते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो उसको कैसे हाइड करते हैं, आज की वीडियो में क्लियर हो गया। कोई भी डाउट रह गया, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। इसके बाद आप नॉर्मल सा फेस पाउडर एंड लाइनर लगा के आप कहीं भी जा सकते हो और आपका डार्क सर्कल भी बहुत अच्छे से हाइड होगा, बिल्कुल नेचुरल लुक दिख रहा है। कैमरा भी बिल्कुल मैंने मीडियम पर रखा है ताकि कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।